क्लास सेवन सब्जेक्ट मैथ वीडियो नंबर 61 एक्सरसाइज 3C का हमने क्वेश्चन बना दिया था, 4 का 6 नंबर बना दिया था। उसी तरह 4 का फाइंड द प्रोडक्ट, इसका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6.032 मल्टीपल 1 to 4। इस तरह इसको हम मल्टीपल करते हैं 6.032 1 to 4 मल्टीपल करेंगे 2 4 जाए 3 4 जाए 12 6 4 जाए 24 2 2 जा 4 0 6 2 जा 12 2 3 0 6 इस तरह 8 6 9 4 3 7 2 2 4 6 1 7 3 अंक के बाद 1 2 3 यानी इसका आंसर हो जाएगा 7.7478 इसका आंसर जाएगा। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर इसका देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 3 का ना है 0.0146 मल्टीपल 69। इसको भी हम मल्टीपल करते हैं 146 में 69 से मल्टीपल करेंगे 6 6 9 54 5 31 6 36 34 83 87 4 7 7 8 9 10 1 2 1 2 3 4 यानी इसका बनाएंगे 1.0074 इसका आंसर आएगा 8 नंबर का। 9 नंबर इसका हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन इसका हो जाएगा 0.00125 मल्टीपल 3 to 7। इस क्वेश्चन को भी हम हल करते हैं 3 to 7 5 7 35 12 7 84 3 87 आया हो जाएगा 250 5 3 15 12 3 36 137 5 7 5 5 10 18 10 4 हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी 0.40875 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह 4 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। 5 नंबर इसका क्वेश्चन हो जाएगा फाइंड द प्रोडक्ट, यह भी है वही फाइंड द प्रोडक्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 7.6 मल्टीपल 2.4। इसको भी हम मल्टीपल करते हैं, यहाँ देखेंगे आप 7.6 और 2.4 6 4 24 7 4 28 2 30 6 2 जा 12 7 2 जा 14 और 1 कैरी में 5 4 2 8 1 दशमलव के बाद में 1 डिजिट, इस दशमलव के बाद में 1 डिजिट, इस तरह 2 डिजिट राइट साइड से गिनेंगे 1 2 इसका आंसर हो जाएगा 18.24। इस तरह पहला हो गया। दूसरा देखिए 3.45 मल्टीपल 6.3, इसको भी हम मल्टीपल करते हैं तो 3.45 और 6.3 5 3 जा 15 4 4 3 12 13 3 3 9 3 3 9 1 10 5 6 30 4 6 24 3 27 3 6 18 2 20 5 3 7 1 2 ठीक है। 2 और 3 1 2 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। इस तरह 21.735 इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम। अगला क्वेश्चन इसका हो जाएगा 3 नंबर, इसका 3 नंबर 0.54 मल्टीपल 0.27। इसको भी मल्टीपल करते हैं 0.5 मोर 0.27 4 7 28 5 7 35 37
चौवन दूना 108 होता है, 8 7 15 3 1 4 1, दो और दो 4 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो यहाँ दशमलव पड़ जाएगा, इस तरह 0.1458। तो यह हो गया मैथ फोर क्लास 7।